अभी? ना ना चालू रखो, जब स्टॉप होगा। तो गाइस माता रानी का प्रसाद मिल गया भाई, इससे भर के और क्या ही है यार, मार लिए क्यों क्या ही खाएंगे हम। तो भाई हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी हम जा रहे हैं कुछ व्यू शूट करने और मतलब ब्लॉग बनाने बोलो या गाने की मेहनत करने बोलो, जो भी आपको सही लगेगा। तो पता ही हम लोग सभी चीज़ करते हैं। और आपको खास बात तो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि भटजी, हमारे भटजी और मिस्टर पाल जी दोनों जने बहुत मेहनत करते हैं। गाइस अभी जो नेक्स्ट व्यू हम कैप्चर करने जा रहे हैं, तो बहुत पावन धरती है भाई रामेश्वर घाट। तो कुछ बहुत शॉट मैंने यहाँ पर लेने हैं गोप्रो से मर्जी के। आज पहला नौड़ता है तो भाई काफ़ी भीड़ होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार ये भीड़ हम अगर मर्जी के गाने में ऐड कर दें तो भाई मज़ा आ जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में भाई दर्शन भी जाएंगे है ना बाबा के। तो अभी हमारे से जो आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, देखो कितनी धूल वो उड़ा रही हैं। पीछे रजत हैं, यहाँ चचा हैं, यहाँ भरजी देखो ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आज जो है कि भाई पावन दिन है, इस वजह से भाई प्रत्येक परिवार लगभग जा ही रहे हैं फिर है ना, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई गाड़ी बुक करके आ रहा है। तो एक से दो मिनट का मैंने यहाँ शॉट लेना है भरजी का। ये शॉट आपको भरजी के चैनल में ही मिलेगा गाने में, ठीक है ना, पहाड़ी गपशप विजिट जरूर करिए। और मेरे काम को भी भाई तो पहाड़ी गपशप भटजी के चैनल है। और आप प्लीज़ 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 एक बार अपने फोन में भी देख लीजिए, और बहुत मस्त बहुत फर्स्ट क्लास गाने हैं। मतलब इस गाने को गाया तो भटजी ने है, बट इसकी एडिटिंग और इसकी वीडियोग्राफी वो मेरे जिम्मे में सौंप दी है भटजी ने। अगर और भी कोई इस तरीके के शौक़ रखता है किसी या कोई चैनल है ना, तो आप रिकॉर्डिंग करके लाइए अपनी आवाज़ में, वीडियो शूट और एडिटिंग करूँगा और वो फिर आप अपने चैनल में यूज कर सकते हैं गाने। तो फिलहाल अपनी मंजिल आ गई है, यहाँ करेंगे हम भाई बहुत ज़बरदस्त शॉट लेंगे यहाँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है यार आज, फिर भी बहुत ज़्यादा है आज। तो रजत करेगा शूट इस वाले फ़ोन से, और मैं वर्जी के गाने को शूट करूँगा इस वाले गोप्रो से। आप ये पाल जी सिखा रहे हैं कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत लगती है, आप लोग देख के आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मतलब शूटिंग की जाती है, देख लीजिए आप। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत। बहुत ही जल्दी हमारा गाना ये लॉन्च होने वाला है भट जी का, कुमावनी गपशप करके इनका चैनल है। देख लीजिए एक्टर कितनी मेहनत करते हैं, एक वीडियोग्राफर कितनी मेहनत करता है, एक यूट्यूबर कितनी मेहनत करता है, वो आप देख सकते हैं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बढ़िया। एक्टर होना भी हर किसी की बस की बात नहीं है, और यूट्यूबर होना भी हर किसी की बात नहीं है यार। YouTube में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा। देखिए कितनी मेहनत करते हैं दोनों जने, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। भाई ब्लॉगिंग कर रहा था गाइस, क्या क्या कह रहा था भाई ये क्या कह रहा था तू दोस्तों लोगों से? कुछ कहना क्या है, वो सच्चाई बता रहा था कितनी मेहनत लगती है करके। दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, देखो ब्लॉगिंग भाई वो जर्नी है जहाँ से आपने जीरो सब्सक्राइबर्स से लाखों तक मिलियन तक ना जाने कितने तक ना आपने करने पड़ते हैं, लेकिन भाई वो तभी बढ़ेंगे जब आप मेहनत करेंगे ना, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया ही ऐसी है भाई। और फिर अपने तो भाई ब्लड में ये चीज़ तो अच्छा है भाई, आपका प्यार मिलता है तो उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ हटके करने की, कुछ अलग।
आयदा है। कैसे लगे इसके बोल? गजब गजब। शुरुआत जारी रखो। संभल ना सके हम। हाट को एक तो गई हमारी ये अल्मोड़ा वाली हल्द्वानी वाली रोड, और ये गई दोस्तों हमारी गोंगली हाट वाली रोड। तो बाकी आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि मतलब एक वीडियोग्राफर एक एक्टर की कितनी मेहनत होती है, एक यूट्यूबर की कितनी मेहनत करते हैं एक अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पाल जी मतलब भट्ट जी को सिखाते हुए कि आपने ऐसा करना है ऐसा करना है, और इस तरीके से आपने मतलब अपनी एक्टिंग करनी है। देख सकते हैं आप। ये अपना डूनी का मंदिर काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा काफ़ी मान्यता मंदिर। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत है। तो हमारे भट्ट जी को समझा चुके हैं, अब वो अपना। सो गाइस भाई यहाँ पर हमने थोड़े बहुत शॉट लिए, और रजत ने तो भाई बहुत तगड़ी एक्टिंग की है। रजत बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है, सही कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। कलाकारी हर किसी के अंदर होती है पर निकालना हर कोई जानना नहीं चाहता है ना। ये भी है, ये भी है। निकालनी चाहिए, हर चीज़ सीखनी है सर। तो यहाँ पर हम रुके हैं भाई, शिव पार्वती का पावन मंदिर। शिव हैं, पार्वती हैं, कार्तिक हैं और गणेश जी हैं। तो यहाँ पर से भाई रजत भर रहा है पानी, और सच नहीं मानो दोस्तों आप सच मानो ना मानो भाई, धारा भी देखो अपना उड़कने का जैसे है, और पानी तो भाई डिट्टू ही है। पी के बताओ भाई कैसा लग रहा है, है मज़ा? क्या बात है, आनंद। चलो ठीक है, पानी अच्छा है ना, ब्यूटीफुल पानी है। क्यों महाराज? बढ़िया पानी है। वैसे तो आप तो खैर आते रहते हो सूट में, बड़े कलाकार हो भाई, महान कलाकार। हाँ, महान कलाकार बन जाओगे। ऐसा उपाधि मत दिया करो, भोले ना ये माता रानी की कृपा रही। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी कृपा भी रहेगी और आपको प्यार करने वालों की भी कृपा बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों रजत ला रहा है पानी, भाई फुल आ गया ना, आपने पिया पानी? हाँ। तो अब चलें फिर, प्रस्थान करें, चलते हैं। तो चलिए आगे भी। हाँ अभी टाइम 2 बज गया। तो गाइस अभी हमने कहना बहुत शूट करने हैं यार, काफ़ी शूटिंग अभी बाकी है, बहुत टेक लेने हैं। तो यहाँ पर काकू रजत ला गया पानी, यहाँ पर भट्ट जी हो गए तैयार चाबी निकाल कर। तो बाकी भाई कमेंट करना कि ये जर्नी आपको कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है भाई, हमें तो मज़ा आ रहा है लेकिन आपको भी मज़ा आना चाहिए भाई। चलिए महाराज। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.